प्यारे बच्चों, सुधी हिंदी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय है अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें तथा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें। इसकी परिभाषा होती है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अर्थात जिसे हम वाक्यांश कहते हैं। परिभाषा होती है भाषा में अपने भावों को संक्षेप में प्रकट करने के लिए जो एक शब्द प्रयोग होता है उसे वाक्यांश कहते हैं। जैसे वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है, ये वाक्यांश है, एक शब्द है। पहला है जो स्त्री कविता लिखती हो उसे क्या कहा जाता है, कहते हैं कवयित्री। जिसे देखा न जा सके उसे कहते हैं अदृश्य। जो जाना न जा सके उसे अगेय कहते हैं और जिसे कोई जीत न सके उसे अजेय कहते हैं। जिसकी कोई उपमा न हो उसे अनुपम कहते हैं। जिसका कोई शत्रु न हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। जो अधिक बोलता हो उसे बाचाल कहते हैं। जिसका पति मर गया हो उसे विधवा कहते हैं। पैरों से जल पीने वाला पादप कहा जाता है। जिसकी पत्नी मर गई हो उसे विधुर कहते हैं। ईश्वर में विश्वास रखने वाले को आस्तिक कहते हैं और ईश्वर में विश्वास न रखने वाले को नास्तिक कहते हैं। जिसे क्षमा किया जा सके उसे क्षम्य कहते हैं। दूसरों के गुणों में दोष देखने वाला छिद्रान्वेषी कहलाता है। वह स्थान जहां धरती और आकाश मिलते हों उसे क्षितिज कहते हैं। जिसे समझना कठिन हो उसे दुर्बोध कहते हैं। जीने की इच्छा रखने वाला जिजीविषा, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ और किए गए उपकार को न मानने वाला कृतघ्न, शरण में आया हुआ शरणागत, जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं। जिसके आने की कोई तिथि न हो उसे अतिथि कहते हैं। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे सधवा कहते हैं। जिसकी तुलना न की जा सके उसे अतुलनीय कहते हैं। किसी काम को चित्र लगाकर करने वाला दत्त चित्र कहलाता है। जिसका दमन न किया जा सके उसे दुर्दम्य कहते हैं। सिर से पैर तक को आपाद मस्तक कहते हैं। दोपहर के बाद का समय अपराह्न कहलाता है। जो शोक करने योग्य न हो उसे अशोक कहते हैं। घुटनों तक जिसकी बाहें हो उसे आजान बाहु कहते हैं। गद्य पद्य मिश्रित रचना को चंपू कहते हैं। जिसकी कल्पना न की जा सके वो उसे अकल्पनीय कहते हैं। जिसके समान कोई दूसरा न हो उसे अद्वितीय कहते हैं। 100 वर्ष का समय शताब्दी कहलाता है। जो किसी के द्वारा पराजित न हो उसे अपराजेय कहते हैं। जो एक दूसरे पर आश्रित हो उसे अन्योन्याश्रित कहते हैं। अभी अभी स्नान किया हुआ सद्या स्नात कहते हैं। जो आंखों के सामने हो उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो उसे अपवाद कहते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।